दोस्तों 2018 के एक डेटा के अनुसार इस पूरे इंटरनेट पर तकरीबन 1.8 बिलियन साइट्स मौजूद हैं। जी हां, 8 बिलियन के आसपास इस दुनिया में लोग रहते हैं और 1.8 बिलियन वेबसाइट्स हमारे इंटरनेट पर मौजूद हैं। और ये बात भी मैं पक्का कह सकता हूं कि आपने उन साइट्स में से उनका करोड़वां हिस्सा भी नहीं चलाया होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जिनके ऊपर आपको कभी जाना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उनके ऊपर जो कुछ है वो मैं आपको आज बता ही दूंगा, तो आपको फिर जाने का फायदा ही क्या है। लेकिन फायदा है आपके एक लाइक का मुझे, तो आप वो फायदा मुझे दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। homicide11.org.br। इसके लिए मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मर्डर्स कहां कहां हुए हैं। जी हां, पूरी धरती पर मर्डर्स कहां, कब और कैसे हुए। ऑब्वियसली आपका आंसर भी कहीं ना कहीं हाँ ही होगा, मेरा भी हाँ था तो मुझे लगा आपका भी होगा। तो इसीलिए इस इंटरनेट पर एक साइट मौजूद है जो आपको यही डाटा दिखाएगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस साइट पर जो डाटा मौजूद है वो हर साल बदलता रहता है, क्योंकि हर साल उस केसेस में नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसलिए आप उनकी जो करंट अपडेट है वो इस साइट पर जाकर देख भी सकते हैं। साइट को खोलते ही आपके सामने देशों की लिस्ट आ जाएगी और उन देशों की लिस्ट में से आप अपने कोई मनपसंद का एक देश चुन लीजिएगा और उस पर क्लिक करने के बाद आपको उसकी पूरी हिस्ट्री में हुए मर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी। साथ ही आप किसी पर्टिकुलर मर्डर के अंदर जाकर उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि ये मर्डर कैसे किया गया था और इसके पीछे किसका हाथ था, कौन सा वेपन इसमें इस्तेमाल किया गया था और मर्डर करने की जगह कहाँ थी। इस साइट पर जो आपको डेमोग्राफिक्स देखने को मिलेंगे वो भी हर साल बदलते रहते हैं, मतलब कि जहां बहुत ज्यादा मर्डर्स होते हैं वहां पर डार्क रेड आपको डेमोग्राफ देखने को मिलेगा, जहां थोड़े बहुत मर्डर होते हैं वहां पर आपको येलो ग्राफ देखने को मिलेगा और जहां बहुत ही ना के बराबर मर्डर्स होते हैं वहां आपको ग्रीन कलर का कुछ सिग्नल देखने को मिल सकता है। goodbyewarden.com। ये साइट हमारे भारत से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये साइट अमेरिका में एक ऐसा काम कर रही है जो इसे शायद नहीं करना चाहिए था। जी हाँ, वहाँ के टेक्सास राज्य में होने वाले आखिरी 540 एग्जीक्यूशंस की लिस्ट को ये साइट वहाँ दिखाती है, मतलब कि सरकार द्वारा या फिर कानूनी रूप से जितनी भी मौत की सजाएं वहाँ दी गई है, लास्ट 540 सजाओं का डाटा वहाँ दिखाती है, किस किस को कब कैसे किस टाइम पर मारा गया था। अब आप भी ये सोचेंगे कि मैं यहाँ इसको क्यों बता रहा हूँ, तो ये कोई बड़ा कारण नहीं था कि वहाँ के एक राज्य की साइट वहाँ का कुछ डाटा दिखा रही है। मैं आपको सिर्फ ये साइट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो 540 आखिरी लोग यहां पर आपको दिखेंगे, इनके जो आखिरी शब्द थे वो भी यहां कुछ लिखे हुए हैं और इनके आखिरी शब्द यकीन मानिए बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। जी हां, जिन लोगों का डाटा यहां दिखाया गया है वो लोग बेचारे अपने अंतिम शब्दों में वहाँ खड़े गार्ड्स को ये बोलते आए थे कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और अंत समय तक उनको जब तक सजा नहीं दी गई तब तक वो खुद को इनोसेंट बोलते आ रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। ये तो वही जानते हैं या फिर भगवान जानता है कि उन्होंने कुछ किया था या नहीं किया। खैर, लेकिन उनके जो आखिरी शब्द जो मैंने वहाँ देखे, यकीन मानिए मेरा दिल टूट गया। साथ ही साइट का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ का जो जेल वार्डन होता है वही अंत समय में कैदी को पकड़ कर एग्जीक्यूशन रूम तक लेकर जाता है और बेचारे कैदी अंत तक अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहते हैं। worldbirthanddeaths.com। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि बिल्कुल इस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पर आपने ये वीडियो मेरी सुननी शुरू करी है या फिर अभी आप जो मुझे देख रहे हैं, इस मोमेंट पर पूरी दुनिया में कहां किसने जन्म लिया? और क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोमेंट पर पूरी दुनिया में किसने कहां दम तोड़ा? बेशक आपका जवाब मेरी तरह हाँ ही होगा। तो ये काम करने के लिए भी इस इंटरनेट पर एक साइट मौजूद है जिसका नाम worldbirthanddeaths.com है, और ये साइट दिखाती है कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं डेथ होती है तो बिल्कुल उस लोकेशन पर जहां वो डेथ हुई है वहां पर एक रेड मार्क आ जाएगा, और पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई बर्थ होता है यानी कि कोई जन्म लेता है तो उसी बिल्कुल लोकेशन पर एक ग्रीन मार्क आ जाएगा। लेकिन मैं इस साइट को अपने लिस्ट में इसलिए शामिल कर रहा हूं क्योंकि इसके आंकड़े जो है वो बहुत ही डरा देने वाले हैं। जी हां, इस दुनिया की पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है इस साइट पर आप जाकर आराम से देख सकते हैं। सच में वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, ना ही देखे तो सही रहेगा। कितनी तेजी से इस दुनिया में भीड़ बढ़ रही है और रिसोर्सेज कितनी तेजी से कम हो रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस साइट के जो डाटा है उसको देखकर लगा सकते हैं। usdeathclock.org। दोस्तों, आपके पास हो सकता है बहुत सारा पैसा हो या फिर मेरी तरह नल्ले हो। खैर, आप अपने आप को क्या सिक्योर फील कर रहे हैं? पैसा हो या ना हो, क्या आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो प्लीज आप अपने आप को सिक्योर फील मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है, इसकी जो पूरी फाइनेंशियल मार्केट है, ये तेजी से गिरती जा रही है। जी हाँ, किस देश पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, कौन सा देश कितना डूबा हुआ है, कौन सा देश कितने पानी में है,
और कौन सा देश कितना गरीब है, जिनको आप सुपर पावर्स मानते हैं उनके ऊपर कितना कर्जा है, अगर आपको ये बात का पता लगाना हो तो आप प्लीज़ इस साइट पर जाकर देख सकते हैं। और यकीन मानिए, जब मैं इस साइट पर पहली बार गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिनको मैं सुपर पावर्स मानता था वो ट्रिलियन डॉलर्स कर्जे में डूबे हुए हैं। जी हाँ, अमेरिका जैसा देश भी यकीन मानिए 15 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। और ये कर्ज पूरी दुनिया का इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि आप जैसे एक नंबर अभी देख रहे हैं, आप उसे पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे कि तभी वो नंबर इंक्रीज होकर पूरी तरह से बदल जाएगा। इस साइट के डेमोग्राफ हमेशा से ही लोगों को डराते आए हैं, और इसलिए मैं आपको मना करूंगा कि आप प्लीज़ इस साइट पर जाकर मत देखिएगा कि पूरी दुनिया पर आखिर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। CTBTO.org। वैसे तो हम सबको पता है कि इसाओ हाशिमोटो जो थे वो एक फाइनेंशियल स्टूडेंट रहे थे, लेकिन उन्होंने आर्ट्स और मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ी महानता हासिल कर ली थी। लेकिन यही वो इंसान था जिसने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर पूरी दुनिया में एक साथ न्यूक्लियर वार छुट जाए तो आखिर क्या होगा। जी हाँ, उन्होंने ज़्यादा नहीं लेकिन पूरी दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 2053 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक साथ फोड़ कर इस दुनिया में दिखाया, एक वीडियो के जरिए दिखाया। वो वीडियो CPBTO नाम की जो साइट है उसके ऊपर पड़ी है, तो वहाँ जाकर जब मैंने वो वीडियो देखी तो यकीन मानिए मेरा दिल दहल गया, क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि क्या होगा जब 2053 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक साथ पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट कर दिए जाएं। जी हाँ, यहाँ पर इतना ही नहीं, यहाँ पर एक ऐसा भी फीचर था जहाँ पर यह दिखाया गया था कि आप जहाँ पर इस समय बैठे हैं उसी जगह पर अगर आपके बराबर में ही एक न्यूक्लियर वॉरहेड आकर गिर जाए और वहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाए तो आपके आसपास कितनी तबाही मच सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ जो थी मुझे इसकी बैकग्राउंड में लगी। जी हाँ, इसकी बैकग्राउंड में कुछ बीपिंग नॉइस आप सुन सकते हैं, वहाँ जाकर सुन सकते हैं, बीप 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 कुछ करता रहता है वहाँ पर। तो वो जो बीप बीप की जो साउंड है वो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा डरा देने वाली है, और ऐसा लगता है जैसे बीप बीप की साउंड अभी हमारी ज़िंदगी को न्यूक्लियर वॉरहेड से ख़त्म कर देगी। जो वीडियो इसाओ ने बनाई थी उस वीडियो में नॉर्थ कोरिया का कहीं भी नाम और निशान मुझे दिखाई नहीं दिया, पता नहीं क्यों, पर उसमें नॉर्थ कोरिया द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कुछ भी उसमें शामिल नहीं थे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया को इस वीडियो से बिल्कुल अलग रखा गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या चल रहा है वो दुनिया को कभी बाहर पता नहीं चल पाता। Outrider.org। अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि अगर आपके साइड में, बिल्कुल साइड में एक बॉम्ब आकर गिर जाए तो क्या होगा। यकीन मानिए मुझे उस साइट में इतना मज़ा नहीं आया था जितना Outrider.org वाली में आया। जी हाँ, ये भी साइट ऐसे ही है जो आपको बताएगी कि अगर आपके साइड में, बिल्कुल साइड में आकर एक बॉम्ब गिर जाए तो आप क्या कर सकते हैं और आपके साथ क्या होगा। जब आप Outrider.org वेबसाइट पर जाएंगे और न्यूक्लियर वेपन चैलेंज पर क्लिक करेंगे तब आपसे वहाँ एक सवाल पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस इन ए बॉम्ब ब्लास्ट। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो यकीन मानिए आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो बहुत ही दिल दहला देने वाली होगी। इस सवाल का जवाब आते ही वहाँ पर आपका एक न्यूज माई लोकेशन का फीचर होगा, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डेटोनेटर का बटन आ जाएगा, रेड कलर का जो हम दबाते होते हैं वो बटन आ जाएगा, और जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे तो यकीन मानिए आपकी लोकेशन वगैरह सब कुछ, पूरा मैप जहां पर आप बैठे हैं वहां सब कुछ दिखने लग जाएगा, और सब एनिमेशन ही होगा, रियलिटी मत समझिएगा कहीं आप, छोड़िए। सो जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे तो आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया जाएगा कि आपके बिल्कुल साइड में अगर एक बॉम्ब गिरा है, उसकी आवाज़ें वगैरह सब कुछ दिखाई जाएंगी, और टोटली आपके चारों तरफ एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा कि सच में आपके साथ एक हादसा हुआ है या फिर आप किसी हादसे का शिकार हुए हैं। इसके बाद आपको कुछ डेमोग्राफ्स दिखाए जाएंगे जिसमें रेड, येलो और ऑरेंज जैसे कुछ सर्कल्स बने होंगे, जिसमें एग्जैक्ट लोकेशन दिखाई गई होगी आपकी और आपके साइड में गिरने वाले उस बॉम्ब की, और साथ ही उससे होने वाले इफेक्ट की कि बाद में वो जो बॉम्ब गिरा है वो कहां तक इफेक्ट करेगा, जिसके बाद अंत में आपको ये बताएगा कि अगर आपके पास अभी बॉम्ब गिर जाए तो कितने लोग मर सकते हैं, कितने लोग रेडिएशन का शिकार हो सकते हैं, कितनी वहां पर जान माल का नुकसान होगा। साथ ही आप उसमें वहां पर गिरने वाले बॉम्ब्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये वाला बॉम्ब यहां पर गिरवाना है, ताकि आप अलग अलग बॉम्ब से अंदाजा लगा सकें कि कौन सा बॉम्ब सबसे ज़्यादा खतरनाक है और किसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी जगह पर पड़ सकता है। exitmundi.nl exitmundi.htm। अभी पिछले दो पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया खत्म हो सकती है न्यूक्लियर वॉर से, लेकिन यकीन मानिए इस दुनिया को ख़त्म करने के और भी बहुत सारे तरीके हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हाँ, हम उन तरीकों को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं तो ऐसा ही चाहूँगा कभी इस्तेमाल हो भी ना, बट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तरीके आखिर है कौन कौन से जिससे दुनिया अभी ख़त्म हो सकती है। तो यही आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए exitmundi.nl exitmundi.htm नाम की ये साइट जो है
इस इंटरनेट पर मौजूद है, जिस पर आप जाकर वो सिनेरियो देख सकते हैं कि किस किस तरीके से दुनिया खत्म हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए साइट पर जाकर अगर आप वैमो पर क्लिक करेंगे तो आपको एक सिनेरियो दिखेगा और वो सिनेरियो होगा उल्का पिंड का। जी हाँ, स्पेस से गिरने वाले उल्का पिंड से पूरी दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। साथ ही यहाँ पर आप इस सिनेरियो से रिलेटेड जितने भी एनिमेशन और वीडियोज वगैरह देखेंगे तो उनके डिस्क्रिप्शन में आपको एक बहुत ही कमाल का फैक्ट बताया गया होगा। और फैक्ट ये है कि सन 1998 में, मेरा मानना है कि हम तरक्की कर चुके थे, क्योंकि 1960 में अगर इंसान चांद पर जा सकता है तो इतने टेलीस्कोप तो थे ही उस टाइम पर कि धरती के पास से बिल्कुल टच करके गुजरने वाले एक धूमकेतु को तो देख सकें। जी हाँ, धूमकेतु कहूँ या फिर मैं उसे एक बहुत बड़ा उल्का पिंड भी कहूँ, बात कुछ अलग नहीं होगी। जी हाँ, सन 1998 में एक ऐसा टाइम था जब एक बहुत ही बड़ा धूमकेतु बिल्कुल धरती के पास से गया और हम उसे देख तक नहीं पाए थे। आज के टाइम पर धरती से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से गुजरने वाले पत्थरों को भी हम देखकर डरने लग जाते हैं, हजारों वीडियोस बना जाते हैं, इस दिन खत्म होगी धरती, उस दिन खत्म होगी धरती, धरती खत्म नहीं होती। लेकिन उस टाइम पर वैज्ञानिकों को क्या हुआ था कि वो धूमकेतु आया और धरती के बिल्कुल साइड से निकल गया, बिल्कुल टच करते हुए निकला था एटमॉस्फेयर को भी, और कोई उसे नोटिस नहीं कर पाया। वैज्ञानिकों ने भी उसे तब देखा जब वो धरती को क्रॉस कर चुका था। खैर, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इस वेबसाइट पर ना ही जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना ही है तो प्लीज़ रात के टाइम तो बिल्कुल ना जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरा एक आधा सब्सक्राइबर भी कम हो, प्लीज़। midnightinthedesert.com। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एनालिज मिशेल के ऊपर। जी हाँ, वो लड़की जिसके अंदर दुनिया के पता नहीं दर्जनों भूत एक साथ घुस गए थे और उसका एक्सोर्सिज्म मैंने आपको दिखाया था। यकीन मानिए, उस लड़की के साथ जो बुरा हुआ था वो किसी और के साथ ना हो, बट उसके साथ हो गया था। उसकी कुछ वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग्स थी जो उस टाइम पर उसके पास आने वाले जो हम बाबा वगैरह बोल सकते हैं, जो भूत प्रेत पकड़ते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में आई थिंक उनको पॉप वगैरह कुछ बोलते हैं, फादर वगैरह कुछ बोलते होंगे, सो मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी। और अगर मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ तो भी आई एम सॉरी। बट हाँ, जो उनको बुलाया गया था, उन बाबाओं ने जो उनकी रिकॉर्डिंग करी थी, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें एनालिज मिशेल चिल्लाती हुई दिख रही है, सबको धमकाती हुई दिख रही है, सबको खाने के लिए भागती हुई दिख रही है, सबको काट रही है, खुद को काट रही है, और उन सभी की जो रिकॉर्डिंग है, यकीन मानिए मैंने उससे ज़्यादा दिल दहला देने वाली वीडियोज आज तक नहीं देखी। जी हाँ, वो रिकॉर्डिंग्स पब्लिक में भी कभी नहीं आई, लेकिन इस साइट पर आपको अगर वो वीडियोज़ देखनी है तो वहाँ पड़ी है। टोटल 67 वीडियो रिकॉर्डिंग्स और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वहाँ आपको देखने को मिलेंगी, और यकीन मानिए जब आप इनको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के समय तो भूल कर भी इस चीज़ को आप मत सुनिएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी जर्मनी भाषा में रिकॉर्ड की गई हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो समझ नहीं आएगी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इंसान के चिल्लाना कोई भाषा नहीं होती। वो चिल्लाता है तो सिंपली मुंह से आवाज़ निकलती है, वो कोई भाषा नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी जो कुछ एक दो वर्ड्स उसने बीच में बोले हुए हैं वो सारे जर्मनी भाषा में है। वो आपको शायद हो सकता है समझ ना आए, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आए, मैं खुद अनपढ़ हूँ, सो कोई बात नहीं। बट अगर आपको सुननी है तो आप वहाँ इस साइट पर जा सकते हैं, और लेकिन मैं तो कहूँगा कि ना ही जाएं। krishta.che.com। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई हैं जहां पर मैंने आपको भूतों की स्टोरी सुनाई है, तो हो सकता है आप में से कुछों को उन पर विश्वास ना भी हुआ हो, तो ऐसे ही लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं एक ऐसी साइट ढूंढ के लाया हूं जो आपको लाइव कैमरा में भूत दिखाएगी। जी हां, लाइव कैमरा, एक जो 2400 घंटे एक लाइव कैमरा पेरिस से चलता रहता है, पेरिस के नीचे, अगर आपको ना पता हो तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पेरिस के नीचे तकरीबन 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों के कंकालों को कुछ इस तरह से दफनाया गया है, और इनकी आत्माएँ वगैरह कई बार वहाँ देखी जा सकती हैं। और इसी कैटाकूम की 2400 घंटे लाइव वीडियो इंटरनेट पर चलती रहती है, जो कि क्रिश्चा साइट पर आपको देखने को मिलेगी। 1786 का वो समय था जब पूरे देश से लोगों के कंकालों को कब्रिस्तानों से निकाल कर यहाँ इकट्ठा किया जाने लगा, और यकीन मानिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी टनल्स यहाँ बनाई गई, नीचे गुफाएं बनाई गई थी सिर्फ इन कंकालों को संजोकर रखने के लिए। देखिए कितने सटीकता से, कितनी सफाई से यहाँ कंकालों को सजा कर रखा गया है। तो पूरी दुनिया के गॉस्ट हंटर्स का यही मानना है कि अगर उन्हें किसी भूत वगैरह से मिलना है तो वो जरूर इसी जगह पर जाना पसंद करेंगे। और रात का व्यू तो इस कैटाकॉम का यकीन मानिए सच में दिल दहला देने वाला ही होता है। कोई वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम वेरी क्लोज टू द 30K फॉलोअर्स, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द लिंक ऑफ माई इंस्टाग्राम इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड मेक श्योर यू हिट द फॉलो बटन। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट स्वास्तिक साहू को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो, एंड
मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।